नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एक रुपया में आप कैसे एक अपना जो पॉट है, ओल्ड पॉट को कैसे आप नया बना सकते हैं, कैसे आप उसको पेंट कर सकते हैं। तो एक एक पॉट के लिए सबसे एक रुपया आपको खर्च आएगा, जो कि मैंने बताऊंगा कि क्या क्या उसमें आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मैंने जो है पेंट करके रखा, ये देखिए ये जो है प्लास्टिक वाला है, आप इसको मतलब ऐसे रख लेंगे तब भी मतलब इसमें कुछ नहीं निकलेगा। और उसके बाद जो है ये देखिए ये जो है मिट्टी वाला गमला, ये दोनों को ही आप इसी से पेंट कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया मतलब कहना इसमें ये वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको मतलब बहुत ही सस्ते में आपका जो पुराना गमला है उसको आप नया बना सकते हैं, नया लुक्स दे सकते हैं, तो चाहे वो प्लास्टिक हो चाहे वो मिट्टी का हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखाता हूँ पहले जो है क्या 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 चीज़ उसमें इस्तेमाल किया और जो उस कैसे उसको मिक्स करना है। तो देखिए ये देखिए ये जो गमला आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक वाला है और ये वाला जो है ये मिट्टी का है। तो चलिए ये दोनों को देखिए, ये पुराना जैसे ये थोड़ा ये फंगस जैसे ये हरा हरा हो गया। तो दोस्तों इसको मतलब कहना ये दोनों को मैं पेंट करके आपको दिखाऊंगा और ये दोनों मतलब जो पेंट है जो मैंने इस्तेमाल किया जो है एक चीज़ जो है ये पहला जो है ये रेड ऑक्साइड है, ये देखिए ये 250 ग्राम मैंने लाया, 250 ग्राम का जो है 40 रुपीस लिया और इसके साथ जो है मैं मिक्स करूँगा ये जो है आपका फेविकॉल। तो फेविकॉल ये 250 ग्राम का है, ये 24 रुपये का है, तो 24 रुपये का ये इतना भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं जो पहले जो है ये जो रेड ऑक्साइड है, ये रेड ऑक्साइड मैं आपको बताऊंगा ये हार्डवेयर के दुकान में मिलता है, तो आप किसी भी हार्डवेयर में जाइए और रेड ऑक्साइड बताइए तो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसका 250 ग्राम का 40 रुपये है और वो जो एक फेविकल है वो 250 ग्राम का जो है वो 24 रुपये का है। तो फेविकल मैं इसको अगर पूरा डालूँगा तो पूरा डाल देते हैं इसको, तो इससे क्या है आप कम से कम जो है 50 से 60 जो गमला है आप इसको पेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा पानी और उसके बाद जो है थोड़ा फेविकल। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको पानी डाल देता हूँ, इसमें पानी डाल देता हूँ पहले, तो हिसाब से पानी डालना पड़ेगा, ये ज़्यादा मतलब आपको पतला नहीं होना चाहिए, तो पतला हो जाएगा तो फिर मतलब ये ख़राब हो जाएगा, तो इसको हिसाब से पानी डालिए। तो ये देखिए जितना मतलब आपका जो ब्रश है वो चलना चाहिए, ये देखिए और उसके बाद डालना है आपका जो ये फेविकॉल है, ये बाइंडर है, तो ये जो है मतलब ये जो कलर है ये छूटेगा नहीं, तो मैं इसको आधा इस्तेमाल करूँगा। तो ये देखिए बस, तो ये करीबन आधा इस्तेमाल कर दिया और इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक रखना पड़ेगा हल्का सा ठीक, ताकि आपका जो पेंट है मतलब ब्रश जो है वो आसानी से चल सके इसके मतलब क्या ना मिट्टी या जो प्लास्टिक वाला जो पॉट है तो उसमें जो है आसानी से आप लगा सकते हैं। फिर अगर पतला हो जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो वो लगेगा नहीं ठीक से। तो ये देखिए तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे और
ये देखिए तो दोस्तों ये वाला हो गया, ये जो मिट्टी वाला। अभी मैं ये प्लास्टिक वाला कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये प्लास्टिक वाला भी मैंने पेंट कर दिया, तो कितना अच्छा मतलब ये लुक्स आ गया अभी। और देखिए ये दोनों जो क्रोटन है, दोनों ही क्रोटन प्लांट्स है, बहुत ही सस्ता में बहुत ही अच्छा। और ये देखिए इसको, इसमें अगर आप इसको रगड़ेंगे तो देखिए कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए, ये जब इस्तेमाल करते करते थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा बहुत पानी मिक्स कर सकते हैं, और थोड़ा फेविकल है उसको भी आप इसको थोड़ा सा डाल के फिर इसको दोबारा आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये स्पॉट के लिए, मिट्टी के पॉट के लिए थोड़ा सा अगर आप इसको पतला रखेंगे, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा सा पतला रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मिट्टी का पॉट है वो तुरंत जो है उसको सोख कर लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा पतला रहेगा तो भी चलेगा। तो इसलिए आप देखिए आपके हिसाब से आपके पास कितने पॉट्स हैं, उसी हिसाब से जो है रेड ऑक्साइड को जो रेड ऑक्साइड है जो मैंने पहले बताया कि ये हार्डवेयर की दुकान पे मिलता है, आप रेड ऑक्साइड के नाम बताइए, वो लोग आपको दे देंगे। तो उसी हिसाब के आपके पॉट के हिसाब से आप उसको ख़रीद के लाइए, और साथ में 250 ग्राम के लिए कम से कम 100 ग्राम जो है, 100 से 150 ग्राम जो है आप फेविकोल इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। पॉट्स को आप नया लुक्स दे सकते हैं, और बगीचा को भी एक अच्छा लुक्स आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।